राजस्थान के इंद्रगढ़ शहर के तहसील कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष नीलेश तिवारी के नेतृत्व में रीट परीक्षा में हुई धांधली एवं भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही कर परीक्षार्थियों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम इंद्रगढ़ तहसीलदार रवि शर्मा को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में हाल ही में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2021 की रेट परीक्षा में सरकारी एजेंसियां एवं सरकार की मिली भगत से परीक्षा पत्रों को खुलेआम बाजारों में बेचा गया तथा मोटी रकम को लेकर प्रदेश के सभी वर्गों के परीक्षार्थियों एवं छात्र छात्राओं के साथ अन्याय किया गया है। छात्र छात्राओं एवं प्रदेश की जनता रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच होगी तो लाखों परीक्षार्थियों को न्याय मिलेगा एवं ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। इस दौरान तहसील कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष छीतरलाल राणा, मंडल अध्यक्ष नीलेश तिवारी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। परीक्षार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस परीक्षार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलम की टक्कर में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।